दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अडानी ने जब एनडीटीवी खरीदा तो लोगों को लगा कि एक कॉर्पोरेट का मीडिया पर आखिरी हमला है, आखिरी चोट है, क्योंकि तब तक केवल एनडीटीवी एक चैनल था जो सरकार से सीधा सवाल पूछने की हैसियत रखता था। लेकिन असली खेल तो अब खुला है। अडानी ने खरीदा भले ही एक चैनल, लेकिन सारे के सारे संपादक और एंकर ऐसे ताथैया कर रहे हैं कि पूछिए मत। पिछले 10 दिन से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार नहीं, विदेशी शेयर बाजार में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। निवेशकों को करोड़ों की चपत लग गई है। लेकिन अडानी वाली खबर पर चैनल वाले ऐसे गायब थे कि पूछिए मत। जब संसद में विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, तब मजबूरी में मुंह सिकुड़कर इन चैनल वालों को यह खबर दिखानी पड़ी। लेकिन अब तो बेहूदगी की इंतहा पार हो चुकी है। वो एंकर जिनमें आजकल खुद को सबसे बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ मची हुई है, वो एंकर आज अडानी वाले मामले में अडानी की तुलना जानते हैं किससे कर रहे हैं? माता सीता से। परसों यानी कि 2 फरवरी को अपने शो में सुधीर चौधरी ने अडानी पर खबर दिखाते हुए कहा, हमारे देश में अग्नि परीक्षा एक शब्द है। जब सीता पर भी आरोप लगे थे वो बेबुनियाद आरोप थे, लेकिन सीता ने भी वो अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान श्री राम ने वो अग्नि परीक्षा देने के लिए सीता को कहा था। अब गौतम अडानी को भी यही करना चाहिए। अब आरोप इतने गंभीर लग चुके हैं कि उन्हें भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बस यही सुनना बाकी रह गया था, माता सीता की तुलना गौतम अडानी ग्रुप से। क्या सुधीर चौधरी का शब्दकोश इतना दिवालिया हो चुका है कि उनके पास देने के लिए कोई और उदाहरण, कोई और कंपैरिजन, कोई और एग्जाम्पल नहीं बचा? दोस्तों यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है। माता सीता का गौतम अडानी से कंपेयर करके सुधीर चौधरी एक तरह से इशारों में बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं गौतम अडानी को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जैसे माता सीता पर जो आरोप लगे थे वो बेबुनियाद हैं, वैसे ही गौतम अडानी भी अपने ऊपर लगे आरोपों की अग्नि परीक्षा दे। तो क्या वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि गौतम अडानी के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं वो अपने हिसाब से उसको उसकी क्लीन चिट देते हैं उन्हें? आप गौर से देखें तो गोदी चैनलों की अडानी पर रिपोर्टिंग बस 2 पॉइंट्स के इर्द गिर्द टिकी हुई है, केवल 2 पॉइंट्स। एक, विपक्ष अडानी के मुद्दे पर देखिए कैसे एकजुट होकर मोदी को घेर रहा है। सब मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, मोदी को घेरने का विपक्ष को एक मौका मिल गया, मोदी के पीछे पड़ा विपक्ष, फलाना फलाना फलाना। और गोदी चैनलों का पॉइंट नंबर 2, बेमतलब LIC और SBI को लेकर देखिए कैसे हल्ला काटा जा रहा है। LIC ने तो बहुत ही कम निवेश किया है, SBI ने तो बस इतना सा कर्ज दिया है। इन टेक्निकलिटीज के इर्द गिर्द पूरी की पूरी रिपोर्टिंग इन गोदी चैनलों की टिकी हुई है। आखिर 10 दिन में कैसे गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य हिल गया? तीसरे से एक आदमी सीधा टॉप 20 के रईसों की लिस्ट से, दुनिया भर के रईसों की लिस्ट से बाहर हो गया। आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कौन से खुलासे हैं जिसका अडानी ग्रुप के पास अब तक कोई जवाब नहीं? इसका ऐसा कोई सवाल आप किसी चैनल पर किसी एंकर को उठाते हुए नहीं देखेंगे। दोस्तों जिस एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को इतना नुकसान पहुंचाया, अगर वो सरासर झूठ है, जैसा कि अडानी ग्रुप कहता है कि वो झूठ का पुलिंदा है, तो आखिर अडानी ग्रुप उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये बेसिक सवाल हैं जो अब तक किसी भी चैनल ने नहीं उठाए हैं। और कह क्या रहे हैं, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो गौतम अडानी भी अग्नि परीक्षा दें। एक बात बताइए, माता सीता और एक कॉर्पोरेट पर लगे सनसनीखेज घोटालेबाजी के आरोप, इन दोनों का कोई मेल है? कोई कंपैरिजन किया जा सकता है क्या? अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है? दोस्तों आपके हिसाब से क्या अडानी और माता सीता का सुधीर चौधरी वाला कंपैरिजन आपके दिमाग में बैठा, आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।